वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों आज जो मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ DRDO की अप्रेंटिसशिप की। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो आप जानते ही हैं। DRDO कोई छोटा मोटा डिपार्टमेंट तो है नहीं। देखो भाई, मैंने आप लोगों को पहले भी रिकमेंड किया था जब 129 वैकेंसी निकली थी DRDO में अप्रेंटिसशिप की। बहुत सारे बच्चों ने मेरे चैनल के माध्यम से फॉर्म फिल किया था। मेरी गाइडेंस के अनुसार, मैंने जो चीज़ें प्रोवाइड करी थी उस चीज़ के अनुसार बच्चे इंटरव्यू भी देकर आए थे। तो मेरे चैनल के माध्यम से 7 बच्चों ने वहाँ पर जो है उपाधि पाई, 7 बच्चों को सिलेक्शन मिला था और 7 बच्चे जो है अभी आराम से वहाँ पर अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मैं बोलता हूँ उन चीज़ों को करा करो, क्योंकि देखो मैं तो बस आपको गाइड कर सकता हूँ। आप लोगों का करियर है, आप लोगों को डिसाइड करना है कि ऐसे डिपार्टमेंट ज्वाइन करने हैं नहीं करने। DRDO कोई ऐसा वैसा डिपार्टमेंट नहीं है। अगर आपको DRDO में मौका मिलता है ना, चाहे वो नौकरी का हो चाहे वो अप्रेंटिसशिप का हो, आप ऐसे मौके ना छोड़ें। इससे पहले आपको पता है DRDO में नौकरियां आई थी, बहुत सारे बच्चों ने चैनल के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई किया और अभी जो है वो अपनी स्टडी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में लगे पड़े हैं। चलो अच्छी बात है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, आई होप कि उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर ये जो मैंने लिंक आपको दे रखा है, ये फॉर्म का लिंक है, ध्यान रखना, और यहीं से आपको एडवर्टाइज मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट इसका 2 तरीके का है, यानी 2 चॉइस दे रखी है आपको, दोनों मत फिल कर देना गलत हो जाएगा। एक तो ADE और एक आपका GTRE। अब जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना तो दोनों ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, आप किस में जाना चाहते हैं। आप लोगों की मर्जी है, किसी में भी चले जाए, दोनों में पोस्टिंग होने के चांस बेंगलोर में। और ध्यान रखना, फॉर्म फिल करने के लिए आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है, बहुत ही आसान फॉर्म है। मैं आज जो है अपना लैपटॉप निकाल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आज आपके लिए फॉर्म की जो वीडियो है वो रेडी कर लूँ, कल अपलोड करके आपको दे दूँ। ठीक है, अब मैं एक एडवर्टाइजमेंट निकाल देता हूँ, कोई सा भी GTR वाला या फिर AD कोई सा भी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मोस्टली सेम इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई, ये जो है एडवर्टाइजमेंट है, इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने। और एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पर जो इनके बच्चे हैं, जो BE BTech वाले बच्चे हैं, उनको भी मौका दिया है, IT वाले बच्चों को भी मौका दिया और डिप्लोमा वाले बच्चों को भी दिया है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, देखो भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉर्म आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपको 2 कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ेगी। अगर आप डिप्लोमा से बिलोंग करते हैं तो आपको MHRD पोर्टल पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर कर रखा है, आपके पास नंबर है रजिस्ट्रेशन का, तो कोई इशू नहीं, आपका वही चलेगा। आपने अगर अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाकर, आप बात हो रही है ITI वाले बच्चों की, अगर आपने अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाके फॉर्म को नहीं फिल किया, रजिस्टर नहीं किया आपने आपको, तो कर लो, वहाँ पर से आपको नंबर मिलेगा, वो आपका काम आएगा। जिन्होंने पहले कर रखा है उनको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये काम ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चल पाएगा, फॉर्म आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो एज का क्राइटेरिया, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए, यहाँ पर 18 से 27 साल का एज का क्राइटेरिया है। एज 7/9/2019 के बेस पे कैलकुलेट की जा रही है। वैकेंसी आप देख सकते हैं, आई थिंक अच्छी वैकेंसी है। आप फॉर्म वैसे कहीं से भी फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ जहाँ निकली है वहीं पर आपको मौका दिया जाएगा। ये डिप्लोमा वाले बच्चे हैं और ये सिविल जो इंजीनियरिंग कैटेगरी के, प्लीज़ यहाँ से देख लेना, मैं डिप्लोमा पे आ रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि डिप्लोमा और जो यहाँ पर ITI की संख्या मेरे चैनल पे ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपका मैकेनिकल है, प्रोडक्शन है, टूल एंड डाई डिज़ाइन है, उसके बाद यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, आपका कंप्यूटर साइंस है, 5 वैकेंसी है। एज आप देख सकते हैं, रिलैक्सेशन भी आपको साथ साथ दिख जाएगा। उसके बाद अब मेन पॉइंट पे आते हैं, जो भाई हमारा मतलब पाथ है जिस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो है ITI वाले बच्चे। यहाँ पर मशीनिस्ट है, फिटर है, टनर है, इलेक्ट्रिशियन है, वेल्डर है, शीट मेटल वर्कर है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग है, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है। देखो भाई, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने कैसे ना कैसे इन सारी चीज़ों का स्टडी मेटल का अरेंजमेंट कर दिया है, आपको पता ही है। बस शीट मेटल का अभी नहीं हुआ है, शीट मेटल की मेरी बात चल रही है, जैसी अरेंजमेंट होता है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। 5 लाइन से जो है मटेरियल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप लोगों की मर्जी है। अगर आप लेते हैं तो DRDO की नौकरी की भी आपकी तैयारी हो जाएगी और आपकी जो है इस एग्ज़ाम की भी तैयारी हो जाएगी, जो आपका जो है DRDO लेगा, क्योंकि अप्रेंटिसशिप पे अभी जो है डिसाइड नहीं है कि वो आपका रिटर्न लेगा या इंटरव्यू लेगा, ये बाद में डिसाइड होगा। और आपको एक चीज़ बता दूँ, 1% भी बच्चे को फोर्स नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ मैं कितनी सही चीज़ कर रहा हूँ, आप लोग उसे समझते हैं नहीं समझते, जो बच्चे समझते हैं वो बच्चे जो है अच्छा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कम्युनिटी पोस्ट में विकास कुमार रोशन नाम का बच्चा है, उसने मेरे ही चीज़ें प्रोवाइड किए हुए, यानी जो मैंने चीज़ें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड की थी उस बच्चे से उसे सक्सेस मिली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं तो कुछ चीज़ बेनिफिट हुई। ठीक है, बाकी मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा, आप लोगों का करियर है, आप लोगों की पढ़ाई है, लेना चाहते हैं लो, अदरवाइज़ जो आपके पास पहले से बुक्स हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं।
18 से 27 साल का एक क्राइटेरिया इसमें भी है, ओबीसी को 30 है, यानी जो रिलैक्सेशन है वो एज पर जो है रूल दे रखा है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका एक चीज़ और, यहाँ पर एससीवीटी वाले बच्चे फॉर्म को नहीं फिल कर सकते, सिर्फ एनसीवीटी वाले बच्चों को मौका दिया है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, प्लीज़ इनको केयरफुली पढ़ लेना, मैंने आपको बता दिया। आईटीआई वाले को अप्रेंटिसशिप पोर्टल और जो बीई बीटेक डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनको एमएचआरडी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जो बीई बीटेक वाले बच्चे हैं या फिर डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, आपका जो एमएचआरडी पोर्टल होता है उस पर कैसे रजिस्ट्रेशन होता है वो मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है। बाकी ये कुछ रूल्स दे रखे हैं, हाउ टू फिल द फॉर्म, और ये कुछ जो है रूल्स हैं इनके, जो पे आउट है ये पे आउट आपको इतना दे रखा है लेकिन इतना नहीं मिलेगा पर मंथ, क्योंकि अभी जो बच्चे लगे हुए हैं उनको करीबन यहाँ पर 8,500 के आसपास मिल रहे हैं, ठीक है। बाकी ये बढ़ा के ही देते हैं, इन्होंने यहाँ पर मैंशन किया हुआ इस चीज़ को, क्योंकि अदर जो अलाउंसेज है वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की आपको जरूरत पड़ेगी लेकिन बाद में जब आप सिलेक्ट होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं, अभी कुछ डिसाइड नहीं है, रिटर्न होगा, इंटरव्यू होगा, लेकिन दोनों में से एक चीज़ आपकी होगी। और उसके बाद मैंने आपको फॉर्म का पाथ तो दे ही दिया है, कहाँ पर है ये हम डेट देख लेते हैं। फॉर्म इसका 7 सितंबर तक भर सकते हैं, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि 17 सितंबर तक अपडेट दे देंगे कि इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट की। उसके बाद जो है और भी डेट्स दे रखे हैं आप देखें, ठीक है। मैंने साइट का लिंक तो आपको पहले ही दिखा दिया, बाद में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आप जो है मेरी बातों को समझेंगे। बाकी देखो आप लोगों का करियर है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मेरे बस की नहीं है आप लोगों को फोर्स करना, मेरी औकात नहीं है आप लोगों को फोर्स करना, मैं कोई नहीं होता आप लोगों को फोर्स करने वाला। आप लोगों की ज़िंदगी है, आप लोगों का करियर है, आपको डिसाइड करना है कि ज़िंदगी में आपको क्या करना है, ठीक है। मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूँ, बस भगवान ने थोड़ा सा जो है गाइडेंस दे दिया मुझे देने की दूसरों को, बस मुझे यही मिला है और कुछ नहीं मिला, बाकी बस यही है। अगर बातों पे चलते हो तो अच्छी बात है, बाकी मेरे से भी बड़े बड़े धुरंधर यहाँ पे पढ़े हुए हैं आईटीआई वाले बच्चों के लिए, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। सबसे बड़े आपके आईटीआई टीचर से हैं, अगर वो आपको नहीं बताते तो मैं हूँ यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए। बाकी मेरे से जितना हो सकेगा मैं तो भाई उतना करता हूँ, बाकी आपको भरोसा करना है तो कर सकते हैं। बाकी देखो हमारा कनेक्शन जो है बहुत ही दूर का है, आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पता नहीं कहाँ कहाँ पे बैठे हुए हैं, और एक मैं जो है एक छोटे से स्थान पे बैठ के आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बस मुझे जो अपने ऊपर भरोसा है ना, मेरी इन्फॉर्मेशन पे भरोसा है, मुझे पता है मैं कितनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आज तक रिकॉर्ड है, मैंने आप लोगों को ना ही कभी गलत इन्फॉर्मेशन दी है और ना ही मैं फ्यूचर में दूंगा, ये मेरा वादा रहा आप लोगों से, ठीक है। बाकी रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दो, मेरी तो यही रिकमेंडेशन है, और अगर आप शेयर करोगे तो आप लोगों का ही बेनिफिट है, कम्युनिटी ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारा ही बेनिफिट है, हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आएंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए इसकी फॉर्म की वीडियो लेकर आ जाऊँ। धन्यवाद।